गाइज, आज के इस पीजे में हम दो एडवांस स्ट्रक्चर कवर करेंगे। फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर, मेरा डर अपने आप खत्म हो गया, उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा, छोटे मोटे झगड़े अपने आप खत्म हो जाते। गाइज, आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक ही चीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो है अपने आप कोई चीज़ खत्म होना। अपने आप कोई चीज़ खत्म होना, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं रन इट्स कोर्स, रन इट्स कोर्स। यहाँ पर जो आप रन देख रहे हैं, ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जैसे कि रन, 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 रनिंग, रन्स, ये सब। ये जो फ्रेज को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मेरा डर अपने आप खत्म हो गया। देखिए, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। सो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं गाइज, हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रॉन वर्ब के सेकेंड फॉर्म रैन। हमारा सेंटेंस हो जाएगा माई फियर रैन एट्स कोर्स, माई फियर रैन एट्स कोर्स, मेरा डर अपने आप खत्म हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा, उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। हम यूज करेंगे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम इंग्लिश में कहेंगे हिज एंगर विल रन इट्स कोर्स, हिज एंगर विल रन इट्स कोर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, छोटे मोटे झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं, स्मॉल क्वारल्स रन इट्स कोर्स, स्मॉल क्वारल्स रन इट्स कोर्स। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर, उस दिन वो फूट फूट कर रोई, तुम इतना फूट फूट कर मत रो, यह खबर सुनकर मंजू फूट फूट कर रोने लगी। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहां पर हम हिंदी में फ्रेजेस करते हैं फूट फूट कर रोना। देखिए गाइस, फूट फूट कर रोना, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं क्राई आइज आउट, क्राई आइज आउट। मैं आपको और भी एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्राई के बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि माई, योर, हीज, हर, देयर, ये सब। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से ये फ्रेज को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं ये जान लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वो इतना फूट फूट कर क्यों रो रही है, वो इतना फूट फूट कर क्यों रो रही है। Why is she crying her eyes out? Why is she crying her eyes out? देखिए गाइज, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, इसलिए हमने W's के बाद यूज कर दिया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद प्रोनाउन सी, इसके बाद हमने यूज किया क्राइंग, क्राइंग के बाद हमने यूज किया पॉजिटिव एडजेक्टिव सी का हर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज, यह खबर सुनकर मंजू फूट फूट कर रोने लगी, यह खबर सुनकर मंजू फूट फूट कर रोने लगी। मंजू बिगान टू क्राई हर आइज आउट ऑन हियरिंग दिस न्यूज, मंजू बिगान टू क्राई हर आइज आउट ऑन हियरिंग दिस न्यूज। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, उस दिन वो फूट फूट कर रोई, दैट डे सी क्राइड हर आइज आउट, दैट डे सी क्राइड हर आइज आउट। तुम इतना फुट फुट कर मत रो, डोंट क्राई योर आइज आउट, डोंट क्राई योर आइज आउट।